dog, get your soul. Tell him that the break is over. I got broads in the lung. Choosing to be in the family. Credit cards in the scammers. Eating the list in the family. Legacy, family. सो वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग एंड आई होप सो आप सब अच्छे होंगे यार। आई एम यंकी और यार आज का व्लॉग है पूरा डिपेंड करता है मेरी बहन के ऊपर, क्योंकि वो आज मम्मी की साड़ी वेयर करने जा रही है और उसका कह रही है कि आज मैं ट्यूटोरियल स्टाइल से पहनूंगी। तो देखते हैं यार कि वो कौन से ट्यूटोरियल स्टाइल से पहनती हैं। और मैं आपको मम्मी की साड़ी दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी वो साड़ी पहनने जा रही है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर देखते हैं यार उसको क्या पसंद आता है। चलो दिखाते हैं आपको कि आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन हैं। तो एक ये है मम्मी की साड़ी ऑरेंज कलर की, मतलब काफ़ी अच्छा प्रिंट है यार इसका और बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब शाइनी शाइनी सा। और एक ये सिल्की में है, ये तो मेरी फेवरेट वन है और कितना प्यारा लग रहा है। ये तो मैंने ही दिलाई थी मम्मी को भाई के वेडिंग फंक्शन में, और देखो यार कितनी अच्छी लग रही है ये वाली साड़ी। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक ये है पर्पल कलर की, ये भी मैंने ही मम्मा को गिफ्ट करी थी। और देख लो यार ये सब साड़ी वो पहनने वाली है, सब नहीं मुझे नहीं पता कौन सी साड़ी पहनने वाली है, पर देखते हैं उसको जौन सी अच्छी लगेगी जिसमें उसको कम्फर्ट लगेगा। तो देख लेते हैं कि वो कौन सी वेयर करती है। और वेयर करी है इसके साथ ये ब्लू कलर का ब्लाउज़, ये ऑरेंज साड़ी के साथ, जो कि इसने ये ब्लाउज़ लिया है मीशो से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकती हो इजिली। और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब कट स्लीव्स है और इसके ये डिज़ाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो वेल स्टाइल एकदम से। और देखते हैं यार ये वेयर करेगी तो कैसा लगता है। देख सकते हो ये है मीशो ब्लाउज़ का बैक, और ये देखो जो मैं आपको कह रही थी बेल स्टाइल, ये है वो इस तरह से, और काफ़ी सुंदर लग रहा है यार। वैसे आप देख सकते हो साड़ी यार कितनी प्यारी लग रही है। ये है ऑरेंज कलर की साड़ी और ये मम्मी की साड़ी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी ये बोल रही है कि मैं ट्यूटोरियल देख रही हूँ, ये देखो जैसे कि अपने फ़ोन में लगी पड़ी है और ट्यूटोरियल चेक करेगी कैसे पहनी जाए। करो करो ट्यूटोरियल चेक, फिर वेयर करते हैं साड़ी। और देखो यार गाइस कितनी सुंदर है। सो गाइस ये बना रही है कली, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसे, कली, हाँ मतलब वही बना रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं साड़ी बांधनी तो मुझे भी नहीं आती है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। बट मैं साड़ी मैं कभी नहीं पहनूंगी साड़ी। देखो जरा फोन में कितनी नजरें गड़ाए हुए हैं। आई डोंट नो हाउ टू वेयर साड़ी, आई नेवर वोर साड़ी इन माय होल लाइफ। पहन लिया और देखो ये साड़ी कभी बंद रही है, कभी उतर रही है, कभी बंद रही है, कभी उतर रही है। ये देखो आप जैसे देख सकते हो, देखो ये पहली बात तो ये पल्लू में ही कन्फ्यूज़ है कि पल्लू कैसे बांधना है। तो साड़ी तो बन गई, लगता नहीं है मुझे आज हो जाएगा। सो गई ये साड़ी पहनने में कितना सरदर्दी भरा काम है यार, और मैं इसे देख रही हूँ इसकी साड़ी का एक घंटा हो गया है, इसका पल्लू नहीं बंधा है। कोई बात नहीं, देखते हैं इसकी भी क्या करती है क्या नहीं करती है। बट यार बड़े मतलब झंझट है यार ये साड़ी वाड़ी पहनने में, उससे अच्छा अपने पैंट शर्ट पहनो और चले जाओ, है ना, रिलैक्स भी मिल जाता है और ज़्यादा टाइम तक पहने भी नहीं जाते ऐसे एथनिक से कपड़े। सो कोई नहीं, पर ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब जिनको पसंद है यार वो तो पहनेंगे ही ना, तो कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट हाँ कि मतलब कभी कभी किसी को अच्छा लगता है ना कि साड़ी पहनना, ट्राई करते साड़ी पहन के तो कैसे लगता है। ये मैं इसको देख रही हूँ, मतलब एक घंटे से इसकी साड़ी नहीं बनी है ट्यूटोरियल देख के भी। वो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस ये साड़ी यहीं पर अटक गई है और पता नहीं ऊपर जाएगी कि नहीं। क्या देनी है, नहीं है मुझे नहीं लगता ये साड़ी आज बन पाएंगी आपकी, है ना। इट्स आई थिंक इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू एंड मी ऑल्सो, क्योंकि मैं आपका ब्लॉग जो बना रही हूँ, है ना, राइट। वाओ व्हाट अ पिन, अबे तब तेरी पिन सबने देख लिया यार, ऐसी लगती है पिन यहाँ पे, वो अंडरग्राउंड छुपा के लगानी चाहिए। पहन लीजिए साड़ी, घर वाली साड़ी नहीं, अबे आज लग जाएगी साड़ी या नहीं, लग ही जाएगी। आप देखो ट्यूटोरियल, हम तो चले खाना खाने। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा इसकी साड़ी और सो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसकी साड़ी बंधी नहीं है, इतने देर से इसने नहीं भी तो 10-15 ट्यूटोरियल देख रहे होंगे। तो मुझे लगी है भूख, तो मैं जा रही हूँ लंच करने, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसने कैसे साड़ी वेयर करी। और इसको रहने देते हैं, इसे छोड़ देते हैं ऐसी, ये साड़ी पहनती रहेगी अपना, और मैं तब थकाती हूँ लंच करके, ठीक है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, जाना मत। देख सकते हैं अब ये फाइनल लुक इसका, और ये इसका ब्लाउज है, और यार ब्लाउज के वजह से लुक मतलब अलग ही आ रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो गाइस बड़ी मशक्क़त के बाद इसने बांध ली है साड़ी। सो आप सबको जिन जिन को साड़ी बांधी आती होगी तो बता देना यार कि इसने सही बांधी या गलत बांधी।
और यार मम्मी की साड़ी तो ऑल टाइम्स ब्यूटीफुल। इसने एयरिंग भी वेयर करे और इसने बताया नहीं कि ये सब वेयर करने वाली है। ओ नाइस, पर अच्छा लग रहा है, मतलब ड्रेसअप के साथ काफ़ी मैच कर रहे थे एयरिंग्स को। इसका ज्वेलरी बॉक्स देखती, मैंने भी नहीं देखा इसके ज्वेलरी बॉक्स में क्या, काफ़ी सारे एयरिंग्स है यार और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और यार ये तो मांटी का आई थिंक शायद से ना, हाँ मांटी का यही। और देख लो यार आप कितने अच्छे अच्छे एयरिंग के कलेक्शन है इसके पास। भाई कहाँ छुपा के रखे थे ये कलेक्शन, मुझे नहीं बताएं। ये पीकॉक वाला स्टाइल है और कौन कौन से हैं, ये तो टोली है, वो येलो वन, मतलब काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये झुमकी। और देख लिया ये था इसका, अभी तो इसके पास और भी ज्वेलरी कलेक्शन है, ये पता नहीं कहाँ छुपा के रखती है कि मैं ना ले लूँ इसके। देख रहे हो गाइस आप, छुपा रुस्तम। और ये था इसका ज्वेलरी कलेक्शन और साड़ी का आपने देख ही लिया होगा, तो कमेंट करके बताना गाइस कि कैसे लगा इसका सब कुछ, ठीक है आप। तो जैसे कि आपने देखा था यार, उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी और ब्लू कलर का ब्लाउज पहना था, काफ़ी अच्छा मैच लग रहा था यार। उसने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करा है और वो ट्यूटोरियल देख के ट्राई करी थी, तो होप सो सही बांधी होगी यार, मेरे को भी इतना साड़ी का नॉलेज नहीं है, पर आप लोग बताना जो जो साड़ी वेयर करते होंगे कि उसने साड़ी कैसे बांधी है। और मिलते रहेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।